आओ बर्फीले पानी से जमकर नहा लो, नहीं तो बर्फीले पानी में डुबकी ही लगा लो। एक तरफ भारत में कड़ाके की सर्दी की वजह से लोग अपने घरों में बंद हैं, तो दूसरी ओर जापान के टोक्यो में ये लोग बर्फीले पानी में डुबकी लगा रहे हैं। आपको बता दें, हर साल नए साल की शुरुआत के वक्त ये लोग ऐसे ही डुबकी लगाते हैं। 25 साल का जवान हो या 75 की उम्र का बुजुर्ग, यहाँ हर कोई ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए ऐसा कठोर तप बर्फीले पानी में करता है। ये लोग करीब 4 मिनट तक इस हाड़ कपा देने वाले पानी में रहते हैं। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। आपको बता दें कि जापान में ये लोग आत्म शुद्धि के लिए भी इस तरह की डुबकी लगाते हैं और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ 33 पुरुष और सफेद गाउन में 7 महिलाएं बर्फ के पानी में स्नान कर रहे हैं। यहाँ बर्फ का रखा ब्लॉक देखकर किसी को भी कपकपी छूट सकती है, लेकिन जापान के लोगों की हिम्मत का जवाब नहीं। ये लोग पहले ठंडे पानी में नहाने का दमखम दिखाते हैं और बाद में नए साल के आगाज पर खुशियां भी ऐसे ही जाहिर कर रहे हैं। यही नहीं, इन्हें उम्मीद है कि सेहत सुधारने के साथ साथ इस तरह से बर्फीले पानी से नहाने के बाद कोरोना वायरस पर भी काबू पा लिया जाएगा। आखिर इनकी आस्था और प्रार्थना में दम जो है। ये परंपरा 1955 से ऐसे ही बदस्तूर जारी है। वैसे आपको बता दें कि जापान के लोगों की दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र होती है। यहाँ के लोग मेहनत करने के साथ साथ पर्सनल हाइजीन और हेल्थ पर भी पूरा ध्यान देते हैं, इसलिए बर्फीली पानी में डुबकी लगाना भी इन्हें मामूली सा लगता है। क्या आप भी ट्राई करना चाहेंगे? वैसे भारत में भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना अच्छा माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पूरे उत्तर भारत समेत इस समय यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आलम यह है कि यूपी के कई शहरों में तापमान 2 डिग्री तक चला गया है। खून जमा देने वाली ठंड में लोगों का हाल बुरा है और घरों में रहने को लोग मजबूर हैं, या फिर ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में भी ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ग्रेटर नोएडा को घने कोहरे ने अपनी चादर में समेट रखा है। दिन में गाड़ियां लाइट जलाकर चल पा रही हैं। यहां पर न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ठंड का प्रकोप इस कदर बढ़ता नजर आ रहा है कि अगर बात करें ट्रिपल अटैक ग्रेटर नोएडा नोएडा में देखने को मिल रहा है। अगर बात करें हम AQI लेवल की तो वो 402 पहुंच चुका है, और अगर बात करें न्यूनतम तापमान की तो वो लगभग 8 डिग्री सेल्सियस है, अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। वहीं कानपुर में भी ठंड से लोगों का हाल बुरा है। यहां पर ठंड ने पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कानपुर में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ठंड और कोहरे की मार रेल यात्रियों को भी झेलनी पड़ रही है। कानपुर सेंट्रल पर आने वाले यात्रियों को 2 से 3 घंटों तक ट्रेनों का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं कुछ ट्रेनें तो 6 से 7 घंटे देरी से चल रही हैं। मेरा ट्रेन तो 5:30 बजे आने वाला था, अभी 11:30 बजे बता रहा है, यानी 6.5-7 घंटा लेट चल रहा है ट्रेन। हर रोज लेट ही होती है जी, कभी टाइम पे नहीं आती, ठंड बहुत ज्यादा है, कोहरे की वजह से बहुत लेट है। गोरखपुर में भी ठंड से लोगों का जीना मुहाल है। दूसरी तरफ शहर के मोहदीपुर के गोपाल मंदिर और गोलघर के काली मंदिर में पुजारी और श्रद्धालु अपने इष्ट देव आराध्य देव को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहनाते नजर आए। श्रद्धालुओं का मानना है कि लोगों की तरह ही भगवान को भी ठंड लगती है।
ऐसा क्यों है कि हम लोगों को भी ठंडा लगता है तो भगवान को भी ठंडा लगता है, तो भगवान के लिए हम लोग साल स्वेटर सब बनाए हैं, बना करके लिया कि भगवान को पहनाया गया है। राजधानी लखनऊ में भी ठंड और गलन से लोगों को मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। यहाँ पर लोगों को ठंड से किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए प्रशासन मुस्तैद है। यहाँ पर डीएम ने खुद व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने रैन बसेरों में जाकर लोगों को कंबल बांटे। लखनऊ में यहाँ रैन बसेरे बनाए गए हैं जिसमें कुछ स्थायी हैं और कुछ अस्थायी रैन बसेरे हैं। उनकी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए हमने सभी अधिकारियों को आज निर्देशित किया है। वो सभी लोग रैन बसेरों का आज निरीक्षण कर रहे हैं क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा सर्दी यहाँ लखनऊ में हो रही है और ये सुनिश्चित करना है कि लखनऊ में जो भी बेघर लोग हैं वो किसी न किसी रैन बसेरे के भीतर रहें। नए साल की शुरुआत से अब तक ठंड से राहत नहीं मिली है। पिछले दिनों से सर्दी और कोहरे के साथ ही शीत लहर ने लोगों को परेशान कर दिया है। वहीं जानलेवा ठंड में योगी सरकार भी बेसहारा लोगों के लिए आसरा बन रही है। सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, कोई भी सड़क पर सोता न मिले। प्रदेश के सभी जिलों में रैन बसेरों में लोगों के ठहरने की व्यवस्था हो, साथ ही जगह जगह अलाव जलाकर भी लोगों को ठंड से बचाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।